नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द टाइप राइटर से। मैं रोहन चौधरी आज आपके सामने एक बड़ी खबर को एक बड़े सवाल के साथ लेके आए हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस आ सकती है। साल 2019 में केंद्र सरकार द्वारा धारा 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था, जिसके बाद कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित की बेंच के सामने इस मामले से जुड़े एक वकील ने धारा 370 की याचिकाओं पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की, जिसमें उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान इस मामले को 7 न्यायाधीशों के पास भेजने की सिफारिश भी की गई थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 370 हटाने के 4 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई 5 न्यायाधीशों की पीठ के सामने की गई, जिसका कारण 2 जजों की राय में मतभेद को बताया गया। इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया गया था। 2 मार्च 2020 में अदालत ने यह फैसला लिया कि इस मामले की सुनवाई 5 जजिस भी कर सकते हैं। हालांकि पिछली सुनवाई के विवाद के बाद इस सुनवाई के लिए 7 जजिस की सिफारिश की गई थी, पर मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आने के बाद ये जो कार्रवाई थी ये 5 जजिस पर छोड़ दी गई। तो बड़ी बात आपको बता दूं कि इस मामले में मार्च 2020 के बाद सुनवाई नहीं की गई, क्योंकि कोरोना काल आने के बाद जितनी भी सुनवाइयां होती थी वो सारी वर्चुअल तरीके से की जा रही थी, जिसके बाद 370 का जो फैसला था वो धीरे 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 करते डिले होता गया। पर अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला सुना दिया गया है कि नवरात्रे खत्म होने के बाद ही इस मामले में फैसला सुना दिया जाएगा। अभी देखने की बात ये होगी कि क्या ये फैसला केंद्र सरकार के हक में जाता है या क्या जम्मू कश्मीर को फिर से धारा 370 का स्टेटस वापस मिलता है। अभी इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या जम्मू कश्मीर में धारा 370 रहना चाहिए या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो बड़ा फैसला लिया गया था जिसमें धारा 370 को हटाया गया था ये ऐसा रहना चाहिए? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें द टाइपराइटर के साथ।